हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये फ्लावर जो है मैंने बनाना सिखाऊंगी आपको। ये बहुत ही इजी है, ये मैंने हैंड से बनाया है, कोई किसी मशीन वगैरह से मैंने इसको यूज नहीं किया है। ये देखिए ऐसे है ना, हम ग्लास वगैरह रखने के लिए इसको ऐसे बना सकते हैं। और अगर इसको आपने बड़ा बनाना है, कितना भी ऐसे ही बना बना के आप इसमें लगाते जाएंगे और ये बहुत अच्छे वाला जो है बन जाता है। किसी भी टेबल वगैरह पे टेबल क्लॉथ वगैरह बन जाते हैं, और इवन बेड शीट भी इनके साथ ही आप हैंड से एक दूसरे को देखिए ऐसे जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा फ्लावर बना हुआ है, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं बताती हूँ कैसे बनना है। ये भी देखिए फ्लावर्स मैंने ऐसे ही जोड़ जोड़ के बनाया है, ये पत्ते भी मैंने ऐसे ही बनाए हैं हैंड से। ये हर चीज बन जाती है। ये मैंने थोड़े से मोती लगा दिए थे इस पे। आप कुछ भी करें तो मैं आपको सिखाती हूँ ये कैसे बनता है और कितना ईजी है बनाना इसको। ये देखिए हमने ये राउंड में कपड़ा जो है काट लिया है मैंने। ये बहुत ईजी है काटना। देखिए जितने बनाने एक जैसे बने, मैंने एक प्लेट रख ली थी उससे राउंड ऐसे सर्कल कर लिया था पेंसिल के साथ, तो फिर ये मैंने काट लिया। अपने जितने भी काटने उतने कपड़े रख के सेम आप एक जैसे घर में वो होता है सर्कल बना लेना है पेंसिल से, फिर उसको काट लेना है। और ये भी मैंने ऐसे ही ठीक है कटोरी रख के काट लिया था छोटे छोटे गोल गोल। ठीक है, इतना इजी है। कटिंग तो आप ऐसे कर लीजिएगा, बराबर हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूं कि ये बनाना कैसे है। ये देखिए एक मैंने उठा लिया है राउंड कपड़ा, इसको हमने ऐसे कर लेना है। और ये है हमारी सुई जिसको हमने इधर से वो कर लिया है, तो हमने ये उठा लिया है। इधर से हम सुई लेके आएंगे, ठीक है जी। ये हम सुई लेके आ गए हैं, आप देख लिए ना आपने। ये राउंड कपड़ा है जो मैंने कैसे काटा था, प्लेट के ऊपर ऐसे रख ली थी और ऐसे सर्कल बना के काट लिया था। तो ये हमने सुई इधर से लेके आएंगे, देखो कितना इजी है इसको बनाना। और अब हम इसे ऐसे करना शुरू करेंगे, बस ऐसे। सारा आपने ऐसे ही ये राउंड कर लेना है, ठीक है। ये जैसे जैसे आप बनाएंगे ना, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है बनाने वाली। तो जब नए बनाओ कोई बात नहीं, स्लो स्लो बना लो। ये पूरा आपने राउंड करना है और ये देखिए कितना इजी है, ठीक है जी। बस ऐसे ही करते जाना है, पूरा आपने ये सर्कल पूरा करना है ऐसे ही करते हुए। बिल्कुल ये वाली चीज है, इसके साथ साथ ही आपको करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी सुई भर गई है ना, तो थोड़ा सा आप इसको खींच लो। अब आगे बस ऐसे ही करते जाएंगे आप। देखिए कितना इजी है, कोई भी बना सकता है इसको। तो कोई डिफिकल्ट चीज मैं आपको सिखाती नहीं, वो ही सिखाती हूँ जो कोई भी बना ले, ठीक है। इतना इजी है बनाना। आप फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे तभी बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं। तो इसको आपने ऐसे खींच लेना है, ठीक है। ये जो आपने ये सुई में धागा है ना, जो मर्जी कलर का डाल लें। अगर आपको पिंक नहीं डालना, रेड है आपका वो डाल लें। मेरे पास अभी पिंक था, मेरा रेड खत्म हो गया था धागा, तो मैंने ये ले लिया। ये तो मैंने आपको सिखाना ही है ना, तो कोई चक्कर नहीं है। आप जो
कपड़ा हो उसी कलर का धागा लें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो अब हम पहुंच गए यहां, फिनिश कर लिया इसको हमने, तो अब हमने इसको खींच लेना है यहां से। अब ये जो है ना, आपने ऐसे करना है कि ये जो ये बनाए ना हमने, ये कोशिश करो कि इसको ऐसे बराबर से कर लो सारा ऐसे, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे करके इसको ठीक कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बल जो है ये जो हमने बनाए हैं ये इनको ठीक कर लो अच्छी तरह से, ऐसे एक बराबर सारी जगह आपको लगे कि हाँ ये सारे ऐसे कर लो, एक ही जगह नहीं होने चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे इसको ठीक कर लेना है, ये सारी जगह ऐसे आपको हो गया कि हाँ एक जैसे हो जाए। ये कर लिया आपने, अब ये हो गया है बराबर ही हो गया सारा। तो अब इसको हम खींचेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे खींचेंगे अच्छी तरह से, ये जो धागा हमने किया था बराबर कर लिया था मैंने फ्लावर वगैरह ठीक करके, इसको हम अच्छी तरह से खींच रहे हैं। ये खींचने से देखो फ्लावर बन गया, बिल्कुल बन गया ना। ऐसे और खींच लो अच्छी तरह से। और अब हम इसको बैक पे लेके जाएंगे धागे को, ऐसे एक बार और ऊपर आएंगे, और ये वाला जो चीज है इस पे ही देखो। अगर आप यहाँ पे अभी मोती वगैरह लगाना चाहते हो इसी धागे में बस डाल के आप उसको लगा सकते हो, पर हमने कुछ और लगाना है। तो देखिए ये बन गया फ्लावर, ये इतना इजी है बनाना। देख रहे हो बन गया कितना इजी है ये, कोई हमने सिलाई वगैरह इस पे नहीं की। तो अभी हमने लिया ये छोटे वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, अभी पहले तो ये फ्लावर देख लो बन गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपने फ्लावर बन गया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरी सीजर गिर गई थी फ्रेंड्स। तो ये फ्लावर देखिए बन गया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटे वाला हमने कपड़ा ऐसे ही काट लिया है, देखिए आपके पास जो भी बचे हुए कपड़े हो सबको ऐसा बना के एक दूसरे के साथ आप स्टेपल कर दोगे ना सुई से, देखना कितने अच्छे अच्छे ये आप बना सकते हो। और ये कितनी इजीली, 1 मिनट सेकंड भी नहीं लगता, आपकी स्पीड जब तेज रहेगी। ये आपने उठा लिया है अभी, अब इसको भी सेम प्रोसीजर से हम वैसे ही बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब तो आपको पता ही है क्या करना, इसको ऐसे हमने राउंड कर लेना फटाफट फटाफट। ये आप देख रहे हो कितना अच्छा बन गया है ना। तो इस पे अगर आप चाहें मोती वगैरह कुछ भी लगाएं, बहुत खूबसूरत बन जाता है ये देखिए, ये बस ऐसे ही करके बनाए हुए हैं मैंने, ये सारे छोटे छोटे मैंने इसी येलो से बनाए थे, ये भी ऐसे ही लगाया था, सारा ऐसे बन गया। और आगे जितने मर्जी आप आगे आगे इसको स्टेपल करते जाओगे ये बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये छोटा सा बना के बताती हूँ कैसे इसको मैंने स्टेपल किया, बाकी भी आपने ऐसे ही स्टेपल कर देने। ये तो बहुत अच्छी चीजें इससे बन जाती हैं, और ये कोई भी बना सकता है। ये देखिए हमने ये छोटा ये बना लिया है। अभी मैंने क्या कहा था, ये आप अपने थोड़े से ऐसे इनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि एक ही जगह ये बल ना इकट्ठे हो जाए, जैसे फ्लावर बनाना है ना। ये हमने खींच लिया इसको, है ना, अभी हम इसको ठीक कर लिया, खींच लेंगे इसको। ये देखिए ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से आपको स्टेपल कर लेना है। ये देखिए सारे मैंने इसी तरह से बनाए हैं, जिस तरह से ये येलो छोटा बनाया है ये सारे मैंने ऐसे बना के इसके पीछे ऐसे ऐसे स्टेपल कर दिए हैं सुई के साथ, कोई मैंने मशीन वगैरह को इसमें यूज नहीं किया है। तो इसको अगर हम बड़े बड़े जो 3-4 फ्लावर और बना के इसको
और बड़ा बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। तो आप किसी तरह से भी बचे हुए कपड़ों के साथ ये चीजें बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।